नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डीपी एडुकर पर। और आज हम एक करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, और जो आपने बहुत ही चर्चा में सुना होगा, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये पहले CAB था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जो अब अधिनियम बन चुका है, यानी कि कानून बन गया है। इसका नाम है नागरिकता संशोधन कानून 2019। आपने सुना होगा बहुत सारा विरोध हो रहा था, पूरे देश में विरोध हुआ है, बहुत सारी बसें जला दी गई हैं, कई यूनिवर्सिटी में विरोध हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, जामिया में। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारा संपत्ति का नुकसान हुआ है, करोड़ों अरबों की संपत्ति नुकसान हो गया, बहुत लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हर राज्य में विरोध हो रहा है। ठीक है, तो आखिर ये CAA है क्या, क्यों इतना विरोध हो रहा है, इसकी मतलब क्यों इतनी हायतबा मची हुई है, समस्या क्या है? ठीक है, तो आइए इसकी पहले हम लोग जड़ में जाते हैं, इसको पूरा समझते हैं विस्तार से, और फिर हम लोग उसके एक एक पहलू पर गहराई से विचार करेंगे कि आखिर ये CAA क्या है, क्यों लाया गया, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसको लाना पड़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, जो बहुत जरूरी थी, बाकी चूंकि सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, चूंकि मैं इनके साथ साथ इनको डिस्क्राइब भी करूंगा और इनको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये आखिर हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है CAA की, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि हमको CAA यानी कि इसमें संशोधन करना पड़ा, नागरिकता कानून में क्यों संशोधन करना पड़ा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि जब वर्ष 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे, एक बना था भारत और एक बना था पाकिस्तान, और ये जो विभाजन हुआ था वो धर्म के यानी कि धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था। तो धार्मिक आधार का मतलब ये है कि जो अधिकतर हिंदू आबादी थी वो हिंदुस्तान में यानी कि भारत में ही रह गई, और जो अधिकतर मुस्लिम आबादी थी वो पाकिस्तान चली गई। लेकिन उस दौरान भी कुछ ऐसे मुसलमान थे जो इंडिया में यानी कि भारत में ही बने रहे, वो पाकिस्तान नहीं गए, और कुछ ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान में ही बने रहे, वो भारत में नहीं आए, बल्कि हिंदू के अलावा और भी ऐसे कई जातियां थीं जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां पर, वो वहीं पर बने रहे और इंडिया में वो नहीं आए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत तो यानी धार्मिक आधार पर विभाजन होने के बाद भी एक धर्मनिरपेक्ष देश बना रहा, और उसने अपना कोई भी धर्म नहीं अपनाया। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि वो है इस्लामिक राष्ट्र बन गया और वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। फिर क्या हुआ, जब पूर्वी पाकिस्तान को कट गए 1971 में बांग्लादेश बनाया गया, ठीक है, तो वो भी एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। ठीक है, फिर अफगानिस्तान बना, वो भी एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। ठीक है, तो समस्या ये आ रही है, अभी जो भारत सरकार की रिपोर्टें आई हैं और जो वहां पर जो दिक्कत आ रही है कि लगातार वहां पर जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनकी जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है, मतलब बहुत वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि 1947 में जो धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, दो राष्ट्र बने थे, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुसलमान राष्ट्र, जो कि पाकिस्तान था। ठीक है, तो उसी की समस्या को लेकर के यहाँ पर ये बवाल बचा हुआ है, इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं, मतलब सरकार का ऐसा मानना है कि जो हमारा देश है, मतलब कि जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है, जो वहां पर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी और जैन हैं, उन वो लोग वहां पर खतरे में हैं और उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है, यानी कि बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अवैध रूप से वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ठीक, ऐसा मानना है सरकार का। और ये भी बताया कि नेहरू लियाकत समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये नेहरू लियाकत समझौता क्या है, ये वर्ष 1950 में दिल्ली में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ था, और इस समझौता में ये तय किया गया था कि जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, और जो भारत में मुसलमान रह गए हैं तो यहाँ पर भारत उनके हितों का ध्यान रखेगा, ये समझौता हुआ था। लेकिन भारत ने तो अपने समझौते का अपनी जो भी उसकी नियम कानून बनाए गए थे, जो भी समझौते में बताया गया था, सब कुछ पालन किया,
लेकिन पाकिस्तान ने उन चीजों का पालन नहीं किया, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो आजादी के समय मुस्लिम आबादी लगभग 8% के आसपास थी, आज वो बढ़ करके लगभग 15% के आसपास हो गई है। यानी कि यहां पर मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। और लेकिन इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बहुत ही प्रताड़ना का व्यवहार किया जा रहा, ऐसा सरकार का मानना है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार का मानना है कि ऐसा वो मानती है। इसलिए उनको लगा कि क्यों ना इन देशों के लोगों को हम नागरिकता दे दें, तो इसलिए ये नागरिकता में संशोधन करने के लिए कानून लाया गया है। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि कि जब विभाजन हुआ था तो धार्मिक आधार पर हुआ था, कुछ लोग यहाँ पर आ गए, कुछ लोग वहां चले गए, तो इस वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए इस कानून को लाया गया है, ठीक है। देखते हैं कि क्या है इस कानून में। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो भी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, ठीक है, इन लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी कि अगर ये लोग हमारे देश में रह रहे हैं, किसी तरीके से पहले आए हैं, चाहे वो वैध रूप से आए हों, चाहे अवैध रूप से आए, जैसे भी आए हों, अगर वो यहाँ पर हमारे देश में हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उनको भारत की नागरिकता दें। कैसे देंगे? यहाँ पर एक छूट दी गई है कि पहले जो नागरिकता देने में प्रावधान था कि कम से कम किसी व्यक्ति को 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा, इसके लिए ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये अवधि अब घटा करके 5 साल कर दी गई है। यानी अगर कोई 5 वर्ष भी भारत में रह लेता है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। और किया गया है यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी लोग आए हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक जितने लोग आ चुके हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, कौन, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, उन सभी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रावधान है कि इन इन लोगों को जो है नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समस्या क्या है। तो पहला विरोध ये लोगों का मानना है कि ये अनुच्छेद 14 के साथ साथ अनुच्छेद 15, 21, 25 और 26 का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। कैसे? वो कह रहे हैं कि ये जो आप सिर्फ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही क्यों दे रहे हो, सभी को दो, ठीक है। मतलब अगर कोई उसमें मुस्लिम वर्ग शामिल है या इसके अलावा भी कोई वर्ग शामिल है तो सभी को मानता क्यों नहीं दे रहे हो। तो लोग इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, आप उन लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हो। दूसरा लोग कह रहे हैं कि जो देश के 15% मुसलमान, उनके साथ ये भेदभाव की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि आपने मुस्लिम वर्ग को छोड़ दिया है, बाकी सारे वर्गों को आप नागरिकता दे रहे हो, ठीक है। ये लोगों के विरोध करने का अपने अपने आधार है, ठीक है। अब ये आधार उचित है या अनुचित है ये तो सरकार तय करेगी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो विरोध है वो पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां के लोगों का ऐसा मानना है जो अवैध अप्रवासी है उससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि जैसे कि असम की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, या जो पूर्वोत्तर के राज्य है, तो उन लोगों का मानना है कि वहां पर बहुत ही अवैध घुसपैठिए वहां पर घुस गए हैं, अवैध लोग आके बसे हुए हैं, प्रवासी बसे हुए हैं, जो कि वहां के संसाधनों पर बोझ बढ़ा रहे हैं, यानी कि उनकी जल जंगल जमीन पर अधिकार जता रहे हैं। चूंकि अब कोई व्यक्ति आएगा तो उसे रहने के लिए आवास चाहिए, ठीक है, और उसको भूमि चाहिए खेती करने के लिए, ठीक है, और भी से उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो उसे चाहिए चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, कहाँ से मिलेगा, संसाधन उतने ही है, ठीक है। तो इन लोगों का विरोध का जो आधार है कह रहे हैं कि हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है और हम लोग जो है बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। साथ में विरोध इस बात को लेकर के भी है कि कहा जा रहा है कि ये असम समझौता का उल्लंघन है, ये देख रहे हैं, असम समझौता का उल्लंघन है, इस आधार पर भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि असम समझौता आखिर है क्या। ये असम समझौता 1985 में हुआ था, जिसको असम एकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, असम एकॉर्ड के नाम से इसको भी जानते हैं, ठीक है। 24 मार्च, इसमें ये हुआ था कि 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए लोगों की पहचान कर बाहर निकाला जाए,
ठीक है, यानी कि 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम में आ गए हैं उनको तो रहने दिया जाए, और अगर 24 मार्च 1971 के बाद से अगर जो लोग आए हैं असम में उनको अवैध निवासी माना जाए और उनकी पहचान करके असम से बाहर निकाला जाए, उनके मूल देश में भेज दिया जाए जहां से वो आए हैं। तो ये है असम समझौता। लेकिन विरोध इस बात का है कि अब नए कानून में नई समय सीमा तय की गई है, यानी कि नया समय क्या है, ये 31 दिसंबर 2014 है, जबकि वहां पर 24 मार्च 1971 है। तो इस बात को लेकर विरोध है कि आखिर इस असम समझौता का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई विरोध की। ठीक, अब देखिए नागरिकता कानून 1955 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जो कानून बनाया गया 1955 में नागरिकता को लेकर के, कहता है कि अवैध अप्रवासी नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। यहाँ पर नहीं सब जुड़ा हुआ है कि अगर कोई अवैध अप्रवासी है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अवैध अप्रवासी कौन है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो बिना वैध कागजों के भारत में प्रवेश किया हो, या फिर जिसके कागजों की समय सीमा बीत गई हो फिर भी अगर वह भारत में निवास कर रहा है, इसका मतलब वह अवैध अप्रवासी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना वैध दस्तावेजों के भारत में घुसा हो या निर्धारित समय से अधिक रह रहा हो, यानी कि उसके जो वीजा था या जो भी उसको डॉक्यूमेंट दिया गया था और उसमें बताया गया था कि आपको इतने समय तक भारत में रहने की अनुमति है, लेकिन वो डेट बीत गई है, इसलिए अगर वो अभी भी रह रहा है तो उस व्यक्ति को आ जाएगी वो अवैध अप्रवासी है। और नागरिकता कानून 1955 में अवैध अप्रवासी को नागरिकता नहीं देने की बात की गई है। तो लोग इस आधार पर भी विरोध कर रहे हैं कि ये तो नागरिकता कानून 1955 का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, खास बात यह है कि देखिए कहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो है प्रश्न बन सकता है कि किन किन राज्यों में ये लागू नहीं होगा, देख लेते हैं। ये एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ILP सिस्टम लागू है। ILP क्या है, इनर लाइन परमिट प्रणाली, मैंने वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ILP। यहाँ पर लागू है 3 राज्यों में, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में, इसलिए इन 3 राज्यों में ये पूरी तरह से लागू नहीं होगा। ठीक है, और कहा नहीं होगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि इन आदिवासी इलाकों के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो इन विशेष प्रावधानों के तहत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनर लाइन परमिट प्रणाली क्या है, यानी कि ILP क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मिजोरम में। ठीक है, इसके तहत प्रावधान ये है कि अगर भारत के अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति अगर इन 3 राज्यों में जाना चाहता है तो उसे इन राज्यों की सरकार से एक परमिट लेना होगा कि हम आपके राज्य में आना चाहते हैं। वो पर्पज कोई भी हो, घूमने का पर्पज हो, कोई काम पर्पज हो, किसी से मिलने का हो, या पर्यटन करना हो, या कुछ काम करना, वो कुछ भी पर्पज हो सकता है, मजदूरी करना है, रोजगार करना है, नौकरी करना है, जो भी पर्पज हो, तो उसके लिए पहले इन राज्य की सरकार से आपको अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप व्यक्तिगत माध्यम से भी वहां से अप्रूवल प्राप्त कर सकते हैं कि हम आपके राज्य की यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, फिर वहां की सरकार आपको अप्रूवल दे देगी। ठीक है, अगर उसे उचित कारण लगता है और उसे लगता है कि ठीक है कोई समस्या नहीं है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और आपको जो अप्रूवल मिलेगा यानी कि निश्चित तारीख पर निश्चित इलाके की या निश्चित क्षेत्र की आप यात्रा कर सकते हैं, कि आपको बताया गया कि आज इस डेट को आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, तो आप सिर्फ वहीं जा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको रोक दिया जाएगा। तो मतलब ये इनर लाइन परमिट प्रणाली है कि आपको उस राज्य सरकार की मतलब जो अप्रूवल लेना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से या फिर ऑनलाइन रूप से, और बताना होगा कि जो है निश्चित तारीख को, किस तारीख पर आप किस जो है इलाके की या किस क्षेत्र को आप घूमना चाहते हैं या किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लागू क्यों की गई थी तो मैं बता दूं कि जब उस समय ब्रिटिश शासन लागू था, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश लोग थे और उपनिवेशवाद था, तो उस समय जो वहां के राजा थे, ठीक है, तो उन्होंने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट
1873 के तहत इसे लागू किया था, और उनका लागू करने का उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश है यानी कि अंग्रेज हैं वो हमारे राज्य में ना आ सके और हमारे जो व्यवसायिक उद्देश्य है या हमारे जो उद्योग है या हमारा जो व्यवसाय है उस पर उनका कंपटीशन ना हो और उनका अधिकार ना हो, ताकि हमारे व्यवसाय उद्योग किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। ठीक है, तो वहां के राजा का मूल मकसद यही था कि अपने व्यवसाय उद्योग को बचाना और अपने व्यवसाय को बचाए रखना ताकि ब्रिटिश लोग वहां पर ना आए। ठीक है, और खास बात यह है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश शब्द इस्तेमाल किया गया था और उसके स्थान पर भारतीय नागरिक इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय नागरिक, यानी कि ब्रिटिश नागरिक के स्थान पर अब भारतीय नागरिक शब्द जोड़ दिया गया है जब से देश आजाद हो गया। ठीक है, तो ये है आईएलबी प्रणाली जो कि 3 राज्यों में लागू है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो ये था पूरा समझौता कि कैसे कैसे कहां पर है आईएलबी, क्या है और ये नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती है, कहां पर कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, मैंने कुछ नीचे फैक्ट लिखे हुए हैं कि नागरिकता कहां पर है। ठीक है, तो हमारे संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और नागरिकता ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, जो हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो ये संघ सूची यानी कि केंद्रीय सूची का विषय है। मतलब ये है कि केंद्र सरकार या भारत सरकार ही इस कानून पर कोई एक्शन ले सकती है, इसे इसमें संशोधन कर सकती है या सुधार कर सकती है, राज्यों को इसमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक इससे पहले 5 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, यहाँ पर नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर वर्ष लिख दे रहा हूँ कब किया गया है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1986, 1992 और 2003, 2005 और 2015 में अब तक 5 बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थी पूरी नागरिकता संशोधन कानून पर जानकारी कि CA क्या है। ठीक है, और CAB क्या है वो आपको मैंने पहले बता दिया कि पहले जो बिल आया था उसे हमने CAB कहा था, अब ये अधिनियम बन गया है तो ये कानून बन गया है। ठीक है, तो अब ये देखिए सरकार ने इसको लागू भी कर दिया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको हाँ कर चुका है, क्योंकि बहुत लोग याचिका लेकर गए थे और बहुत सारी याचिका इसके खिलाफ दायर की गई थी। ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की है तो कहा कि ये सब मतलब आधारहीन याचिकाएं हैं और CA मतलब देश के लिए सही है और उसको जो सरकार चाहती है उसको वैसा करने दीजिए, और सरकार का पूरा मतलब मकसद यही है कि वो इसको लागू करना चाहती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी जैसा भी होगा तो उसको हम अपडेट करेंगे आपको। ठीक है, और इससे संबंधित एक टॉपिक और है जो आपने सुना होगा कि NRC। ठीक है, NRC यानी कि जो रजिस्टर है, NRC रजिस्टर है, असम में लागू किया गया है। ठीक है, तो अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक और बना दूं ताकि आपको उससे संबंधित जानकारी मिल जाए। ठीक है, और मेरी जानकारी कैसी आपको लगी है, कैसा आपको मेरा वीडियो लगा, कैसा लेक्चर लगा है तो आप अगर कमेंट करके बताइए तो अच्छा रहेगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।